कराए दर्शन कराए। भोले बाबा ने दर्शन किए, मस्तक नवाया और कहा धन्य है प्रभु, आप एक तो गांव में जन्मे हो और ऐसे ग्वालों के बीच में जन्मे हो, तुम्हें कोई पहचान नहीं पाता है। आप कृपा करें तो ये जीव आपको पहचान सकेंगे। बिना परिचय के, बिना कोई विशेषता के, बिना गुणों के हमारे अंदर श्रद्धा नहीं बनती। किसी भी स्थान हो, व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, उसके गुण उसकी विशेषता के बारे में जान लेते तो श्रद्धा बनती। कुरुक्षेत्र क्यों जाए, क्या है वहां कुरुक्षेत्र में? अरे वहां भगवान ने गीता का अमर उपदेश दिया, ब्रह्म सरोवर है वहां पे। अर्जुन जी ने बाण गंगा प्रकट करी है, भीष्म पितामह ने वहां भगवान की स्तुति गाई है, वो भूमि है भीष्म स्तुति। भगवान का दर्शन करते हुए भीष्म पितामह ने प्राणों का विसर्जन किया है, वो भूमि है कुरुक्षेत्र। विशेषता है उसकी, श्रद्धा बनती है। गोप ग्वालों के हृदय में श्रद्धा पैदा हो गई। भगवान बाबा जोगी दर्शन करके विदा लेके गया, ये रोज प्रातः काल जल्दी उठते हो, नंद भवन के द्वार पे जाके अलग जगाते थे दर्शन के लिए। मैया कहती तुम तो पहले शिकायत करने आते थे, किया जाए माखन की चोरी की तो इसने मटकी फोड़ी है। बोले जब तक परिचय नहीं हुआ था हम शिकायत करते थे, अब शिकायत नहीं है, अब तो दर्शन करने आए। भगवान से भी कईयों को शिकायत है, आप किसी को तो नहीं शिकायत भगवान से कोई? भगवान से भी दुख, आप हमसे दुखी हो वो तो समझ में आ जाए, पर कोई कोई भगवान से भी दुखी है, भगवान से भी शिकायत कर रहे हैं, प्रभु तूने मेरे साथ क्या किया है, तुमको थोड़ी भी दया नहीं आई? ये जो मेरे साथ ऐसे परिवार और ऐसे के साथ मेरा रिश्ता कर दिया। भगवान कह रहे मैंने जो कुछ भी किया है तेरे भले के लिए किया है। शिकवा ना शिकायत कर तू परवर दिगार से, सो से अगर नीचे हो तो ऊंचे हो हजार से। भगवान से कभी शिकायत नहीं करना चाहिए, भगवान जी का शुक्राना मानिए, लाख लाख शुक्राने उसके, पल पल के शुक्राने, तेरी बड़ी दया है। मनुष्य का शरीर दिया है, अच्छे कार्यों में हमारा तन मन धन लग रहा है, औरों से मैं ठीक हूं, ऐसा अपने को मानना। प्रभु तूने मेरी योग्यता से ज्यादा दिया है, धन्यवाद है तुझे, ऐसा बोलना चाहिए। जो कुछ मुझे मिला उसके लायक में नहीं था ऐसा मुझे लगता है, पर आप दयालु, आपने जरूरत से ज्यादा मुझे दिया है। जो भी है उसको ज्यादा मान करके रहो और भगवान को धन्यवाद दो। पर हो क्या रहा है, जो नी है हाँ उसके लिए हम भगवान को परेशान कर, जो है उसका महत्व नहीं है, उसकी कदर नहीं है। जो है उसको पाकर के भगवान को धन्यवाद देना, प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, शिकायत मत करो। एक दिन भी आपका अगर निकल गया है तो धन्यवाद दो प्रभु। आज के दिन कितने लोग चले गए दुनिया से, मैं बचा हुआ हूं, आपकी बड़ी कृपा है। कितनी दुर्घटना, कितनी मृत्यु होती है, किसी भी बात से भगवान को धन्यवाद दो, शुक्राने मानो। जो अच्छा अच्छा है उसको याद रखो। कुरुक्षेत्र में आए अगर कोई कुछ तकलीफ कुछ परेशानी भी आई हो तो उस पर ध्यान मत दो। अच्छा क्या क्या है, अरे ब्रह्म सरोवर कुंड गजब का भैया, क्या आनंद आता है, स्नान करने जाओ
चलने की जरूरत नहीं, अपने आप ही उसमें भी आनंद लो। नहाने जाओ तो बच्चे जैसे बन जाया करो, कोई ताकत का काम ही नहीं। निर्भयता से नहीं है, समान रूप से पानी है, कोई खतरा नहीं है। सावधानी से नहाना हो, ये ब्रह्म सरोवर हमें उपदेश देता है कि संसार में माया की चिकनाहट इतनी है कि कहीं भी फिसल जाओगे। हाँ, थोड़ा संभल के पांव धरना, यहां से सीख के जाओ। ये ब्रह्म सरोवर कह रहा है यहां ब्रह्म भी है और माया भी है, और माया में कई फिसल गए भाई। कोशिश तो करी संभले संभले, पर चलते चलते बस हाथ धरे ही थे और स्लिप मार गए। ये ऐसे माया का प्रपंच है भाई बहन। सीखो, अच्छा अच्छा देखो, जो नहीं है उसका दुख मत मनाओ, वो माया का ही चक्कर है। माया ही हमें भटकाती, माया ने अज्ञान अविद्या ये स्थिरता से चलने नहीं देती, फिसला देती आपके मन को, कहीं अटकाना भटकाना माया करती रहती है। इसलिए हमारे संत महापुरुष हमें बार बार कहते हैं क्या, परख परख के पांव धरो रे, परख परख के पांव धरो रे, परख परख के पांव धरो रे, परख परख के पांव धरो रे। अमरापुर की बाट पर सो कोई नहीं, हाँ।
परख करना सीखो भाई बहनों, ये माया का जगत है, इसमें ब्रह्म भी है। परख करो कि हमने माया को तो नहीं पकड़ लिया। माया नहीं तो ब्रह्म कैसा और ब्रह्म नहीं तो माया कैसी। अरे छाया तो सदा धूप से है और धूप नहीं तो छाया कैसी। अगर आप माया को मानते हो तो ब्रह्म भी है, जब आप छाया को मान रहे हो छाया है तो धूप है, कोई प्रकाश है, कोई लाइट है, उसके कारण तो छाया है। अगर माया है तो ब्रह्म भी है। अब अपनी जांच करना, हमने क्या परख करी है, हमने किसको पकड़ रखा है। अगर माया को पकड़ा है तो माया छाया एक सी बिरला बूझे कोय। माया को पकड़ा, छाया को पकड़ा, तो छाया में है क्या, कोई पकड़ में आए माया, कोई पकड़ में आती। अरे माया मायापति की है, तो नहीं रहना है, ब्रह्म अपना है, ब्रह्म पकड़ो, परख करो इस। देखो गुरु ने परख करा के गए, एक दिन प्रभु ने क्या लीला करी, मिट्टी खा ली और मिट्टी खा करके माँ यशोदा को मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। लेकिन जिनकी परख नहीं थी वो जाके शिकायत करते, मैया कन्हैया ने मिट्टी खाई। भगवान ने परख करना चाहे, देखे कौन कौन समझदार है इसमें, कौन मुझे पहचान चुके हैं, किन्होंने मेरी परख करी है। ब्रह्म की परख करने में भाई बहनों बहुत कम लोग सफल हो पाते हैं। ये तो कोई भगवत प्राप्त आत्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ कोई संत हो, कोई ब्रह्मज्ञानी संत हो। उनकी वाणी, उनका सानिध्य, उनका स्पर्श हो तो ये ब्रह्म अनुभूति आपके भीतर हो सकती है। और फिर हमारे अंतःकरण में भी जिज्ञासा हो, तड़प हो उस ब्रह्म तत्व को जानने की, ब्रह्म ज्ञान को पाने की, तो निश्चित प्राप्त होते हैं। भगवान ने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया, ये सब कुछ ब्रह्म में ही है, ब्रह्मांड। लेकिन ब्रह्म नहीं दिखता है, माया दिखती है। माया कहते ही उसको जो नहीं है वो दिखे और जो है वो न दिखने दे, वही माया है। जो है वो दिखाई नहीं दे और जो नहीं है वो खूब दिखता है, इसी को माया, इसी को अज्ञान, इसी को अविद्या, इसी को ना समझी। और संत कह रहे सिया राम मैं सब जग जानी, पर हमको तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, माया का पर्दा है ना। ये सब ये पर्दा सामने आ जाए तो कुछ दिखे क्या, भले हजारों की संख्या में आप, लेकिन ये पर्दा दिखने नहीं। ऐसा अज्ञान का पर्दा है, माया का पर्दा है। आंख गुरु देता है, ज्ञान की आंख, दिव्यम ददामि ते चक्षु। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन जी को जब अपना विराट रूप दिखाना चाहा तब क्या किया, दिव्यम ददामि ते चक्षु, अर्जुन तू ये चमड़े की आंख से मेरे को नहीं देख सकता, तेरे को मैं अलग से आंख देता हूं फिर दिखेगा। और फिर प्रभु ने जो उनको दिव्य आंख नेत्र दिए ना, तो जो विराट रूप नजर आया अर्जुन को, दंग रह गया। गुरु आंख देता है, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति
सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दिव्य दृष्टि दे देते हैं गुरु, मतलब फिर भगवान दिखेगा आपको संसार, भगवान ही, सब भगवान के रूप है। आंख दे दो जग में जनार्दन है भरा, लेकिन नजर आता नहीं, कई ढूंढते उसको मगर जल्दी पता पाता नहीं। घट घट भरा कहती श्रुति, संत का कर बोध रे, प्रभु पास ही भरपूर है, तेरा ही कर तू शोध रे। तुका मने शोधनी पाए, तुकाराम जी महाराज कहते हैं, तुका मने शोधनी पाए, जो शोधन करता है, जो शोध करता है, मैं उसको मिलता हूं। अपने भीतर देखो, जब तो भीतर नहीं दिखेगा, सारी दुनिया में घूमा होली वो कहीं नहीं मिलने वाले। इसलिए हम आंख बंद करके ध्यान करते हैं। आंख बंद करके कैसे देखते? वो आंख बंद करके भी दिखता है, खुली आंख से भी दिखाई देता है और बंद आंख से भी दिखाई देता है। न वो मुझसे दूर थे, न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। अब कोई बिल दे, कोई चिट्ठी दे, कोई कागज हिसाब का दे और नहीं दिखे तो लिखने वाले की गलती है कि तुम्हारी आंख की गलती? फिर क्या करे? चश्मा लगाओ। और जो चश्मा लगाया तो हाँ बनाट दिख रहा है। इसलिए लिखने वाले संत महात्मा लिख गए हैं, सर्वम विष्णुमयम जगत, ये विश्व ही विष्णु है, भगवान का रूप। भगवान संसार से अलग रह ही नहीं सकते। संसार है मतलब भगवान है। अलग नहीं रह सकते। सारा संसार ही भगवान का एक रूप है भाई। इसलिए गुरु पर्दा हटा देता ज्ञान का। भगवान श्री कृष्ण जी इसी बाल लीलाएं करके अपना अनुभव भी कराते हैं। मैया को विराट रूप का दर्शन ब्रह्मांड, अपने मुख के अंदर ब्रह्मांड चराचर दिखाया, मेरे भीतर भी है और मेरे बाहर भी है। प्रभु जब धीरे धीरे गौ ग्वालों के साथ लीला करते थे, मां की गोदी में एक बार इतना भजन बढ़ा दिया, मां को भजन सहन नहीं, गोदी से उतारा, दूध संभालने के लिए दौड़ी। कन्हैया ने विचार किया, मेरी माँ को काम प्यारा है, मैं प्यारा है। दूध दही माखन मटके फोड़े, मैया ने देखा आज बहुत नुकसान किया, ठहर। भागते हुए प्रभु जा रहे, मैया के हाथ ना आए। मैया कह रही एक बार हाथ आ जा बस, तूने बहुत नुकसान करा है। और अभी तक गोपियां शिकायत करती थी, मैंने हर बार तेरा पक्ष लेके तेरे को बचाया है, उसी का ये नतीजा है, तूने आज घर में ही करके दिखाया, आज तुझे छोड़ूंगी नहीं, एक बार हाथ आ जा बस। मैया क्या करेगी? तेरी पूजा करूंगी। मां कैसे पूजा करेगी? पहले हाथ आ। तो मां ये तेरे हाथ में जो छड़ी है ना, तू ये फेंक। मैया ने छड़ी फेंक दी, कन्हैया पास में आ गए, हाथ पकड़ा और कहा मारूंगी नहीं पर बांधूंगी जरूर, बहुत नुकसान करा है, चल पकड़ के लई। उखल से बांधने लगी, दो अंगुल रस्सी फिर घटे,
और रस्सियों की तो कमी थी नहीं, और जोड़ा, फिर बांधे, फिर घटे। मैया यशोदा विचार करे, चक्कर क्या है, कमर उतनी बड़ी है, ऐसा भी नहीं कि कमर कोई हाथी जैसी हो गई हो, पर वो रस्सी जोड़े और जहां बांधने का मौका आया गठान नहीं लगा। भगवान कहते हैं मां में ऐसे बनने वाला नहीं हो, रस्सी सांकल उसे, अगर बांधना है मुझे तो श्रद्धा, अटूट श्रद्धा, अटूट भक्ति, ये दो उंगुल रस्सी गढ़ती है। इसलिए कहते हैं ना, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ और बढ़ाओ, अभी भी घटे और बढ़ाओ, इसलिए तीर्थ यात्रा करते हैं ताकि खूब श्रद्धा भक्ति बढ़े। अटूट श्रद्धा, अटूट भक्ति, कितना दुख, कितनी परेशानी, मुसीबत आए, फिर भी आपकी अटूट श्रद्धा भक्ति है कि तीर्थ की कथा में तो जरूर जाएंगे, भले दो दिन के लिए जाए, जाएंगे जरूर। परेशानी आती है, दिक्कतें भी आती है, और हर बार ऐसा मन में सोच लेते हैं बस बस ये आखिरी है, पर फिर सब तैयार हो जाते हैं, और आज फिर चर्चा हो गई अगली कथा कहां होगी। तो अब मन में विचार आता कि इतनी आफत उठाते हो, धक्का सहन करते हो, कहीं कहीं आपको अपमानित भी होना पड़ता है, फिर भी बोले वो सब सहन करेंगे, पर अटूट श्रद्धा भक्ति है, इसलिए तीर्थ की कथा तो जरूर होना चाहिए। तो इस बार निर्णय लिया गया है, बता दे कि कल बताएंगे, तो तीर्थ कथाओं में खबर तो अलग अलग जगह की मिल रही थी, कोई बद्रीनाथ जी की कह रहे, महाराष्ट्र वाले भाई हमारे आदरणीय तापड़िया जी और शिव प्रसाद जी गेलड़ा जी, इनका भी सुझाव आया था कि आप हमारे उधर देवगढ़ है, देवगढ़ में कथा करो, वहां उधर शिरडी शनि सिग्नापुर आसपास बहुत देव स्थान है, वहां पे दर्शन हो, फिर खबर आई अयोध्या में करो, फिर खबर आई चित्रकूट में करो। तो मैंने कहा भैया एक जगह ही कर सकते, खबर आई तिरुपति बालाजी भगवान में कथा करना, और जैसे ही नाम आया वैसे घोषणा भी शुरू हो गई। तो तिरुपति कथा के लिए जो हमारे यजमान पद को प्राप्त औरंगाबाद से आदरणीय रामजीवन जी तथा औरंगाबाद के हमारे आदरणीय नंदलाल जी तोतला, कहाँ यहाँ आए हैं क्या, नंदलाल जी तोतला जी कौन है, इन्होंने 1,01,000 रुपए की सहयोग राशि की घोषणा की है। जोरदार करदम ध्वनि से इनका अभिनंदन, कि भाई तीर्थ में कथा है तो चाहे हमें परेशानी भी अगर आए, लेकिन अटूट श्रद्धा और भक्ति का ये परिणाम है भाई बहनों, स्वतः अपनी इच्छा से बिना मांगे अपने सामर्थ्य अनुसार सहयोग करते हैं। वो यहाँ आना भी चाहते थे हमारे रामजीवन जी, लेकिन कोई कारण ऐसा बना ना आ पाए, पर उनको भगवान ने प्रेरणा दी है। बताते हैं उनके बेटा बहू कहीं यात्रा पे थे और बीच में गाड़ी टकराने से थोड़ी सी चोट आ गई उन्हें, सुरक्षित है भगवान की कृपा है। तो उन्होंने कहा ये भगवान ने इनका जीवन बचाया और इनका नाम भी राम जीवन है, तो राम जी की दया से उनके बच्चों का बहू का जीवन सुरक्षित है। तो 1,01,000 रुपए की राशि उन्होंने तिरुपति बालाजी कथा के लिए दी। साथ ही हमारे बदनापुर के आदरणीय सुभाष जी कटारिया जी ने भी 51,000 रुपए की राशि की घोषणा की। साथ ही श्याम सुंदर जी तापड़िया, ये भी बदनापुर के हैं, इन्होंने भी 51,000 रुपए की राशि घोषणा की।